बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आईटी थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका सब्जेक्ट कोड है 333। उसका आज हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ वर्चुअल मशीन वेयर वर्क स्टेशन, इन शॉर्ट VMware वर्क स्टेशन कहते हैं। वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने सिस्टम में एक ही सिस्टम में रहते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारे सिस्टम को इस काबिल बना देता है कि इसमें हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें नई मशीन जो है ना, या डिफरेंट मशीन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही मशीन में रहते हुए हम बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ के बहुत से ऑपरेटिंग, जैसे अगर आपके पास विंडोज 7 है तो आप कोई विंडो 8 करना चाहते हैं, या विंडो 10 करना चाहते हैं, या ओल्ड वर्जन करना चाहते हैं जस्ट लाइक विंडो XP है। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट के अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो वर्चुअल मशीन हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, और बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल करने के लिए VMware का इस्तेमाल करते हैं। तो VMware की इंस्टॉलेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। अगर आपके पास विंडोज 7 है या 8 है या 8.1 या इससे लेटेस्ट, तो इसमें इंस्टॉल हो सकता है। जो हम आज VMware इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसका वर्जन है 9.01। इसके लिए आपके पास जो प्रोसेसर रिक्वायर्ड है वो 1.3 GHz या इससे बेस्ट है, तब भी ठीक है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि आपके CPU में वर्चुअल टेक्नोलॉजी सपोर्ट होनी चाहिए। अगर वर्चुअल टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं है तो वो उस सिस्टम में ये VMware का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने उस सिस्टम में VMware इंस्टॉल करना है जो कि वर्चुअल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर ये खसूसियत है उस सिस्टम में, तो उसके पास रैम होनी चाहिए 1 GB मिनिमम। अगर आपने आपके पास 64 bit है तो उसमें 2 GB, और अगर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 3 GB तक रैम आप रखें। इसके अलावा आपके पास जो हार्ड डिस्क स्पेस है वो 1.5 GB होनी चाहिए, और CD और DVD ये सपोर्टेड होते हैं VMware। इसके अलावा जो डिस्क इमेज फॉर्मेट होता है IS, वो भी ये VMware सपोर्ट करता है। तो अब हम इसके जो सेटअप फाइल है जो कि मैंने डाउनलोड की हुई है, इसके अलावा आप CD या DVD की सूरत में भी ये मार्केट से परचेज कर सकते हैं। आप भी इसको नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मुख्य टॉरेंट साइट में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको विद क्रैक डाउनलोड कर सकते हैं। क्रैक से होगा फुल वर्जन जो है वो आपके पास इंस्टॉलेशन में आ गया। जैसे मेरे पास इसका इमेज है ना, सेटअप फाइल है, मैंने उसको हार्ड डिस्क में स्टोर किया हुआ है। तो ये VMware वर्क स्टेशन 9.01 विद की जनरेशन भी है, यानी मैं इसको क्रैक भी करके बताऊंगा आपको। इसके लिए मेरे पास इंटरनेट जो है वो ऑफ होना चाहिए, तब ये क्रैक आप कर पाएंगे। अब ये देखें, पहले इसको इंस्टॉल करते हैं, और मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 bit है, तो ये दोनों सपोर्टेड है। इसकी एक ही फाइल है जो 32 bit के लिए भी है और 64 bit के लिए। तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। अभी इसका सेटअप जो है ना स्टार्ट हो जाएगा, आपको इसकी पहली वेलकम स्क्रीन नज़र आएगी। VMware की का सेटअप स्टार्ट हो गया, आपके सामने जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा है ये। अब जैसे मैंने जिक्र किया था, एक वेलकम स्क्रीन आएगी, ये इसका विजिट या जो भी प्रोसीजर है स्टार्ट हो गया है। हम यहाँ से जस्ट इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और इसकी आपने टिपिकल इंस्टॉलेशन जो मोस्ट सूटेबल होती है उस फीचर को आपने स्टार्ट कर लेना है। तो अगर आपने देखना है इसके कस्टम में आपके पास उन्हें एक ही ऑप्शन जो इनेबल नहीं हुआ हुआ, अगर आपने वो यूज़ करना है तो उसको भी आप क्लिक कर लें। तो
ये एक तरह का कंप्लीट इंस्टॉलेशन इसका मोड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये पोर्ट भी बता रहा है कि HDMI पोर्ट ये 443 है। चेक फॉर अपडेट, इसको अपडेट का डिसेबल रखना है क्योंकि ये क्रैक करना है हमने इसको। प्रूव ठीक है, शॉर्टकट बना दे दोनों जगह, नेक्स्ट। और ये कंटिन्यू आप करेंगे तो यूं ये इसका सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, हो रहा है। अगर आपने इसकी सीडी परचेज की तो आपके पास उस सीडी में भी इसका क्रैक अवेलेबल होगा। इसको आप टोरेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये अवेलेबल होता है विद क्रैक। अपने बस ये वेरीफाई करना है कि वो वेरीफाइड टोरेंट हो। बाद बाद थ्रू टोरेंट वायरस भी आ जाते हैं, तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। जब तक इसका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता आपने वेट करना है और इसकी इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने का इंतज़ार करना है। जो ही ये कंप्लीट होएगा आपको ये नोटिफिकेशन बताएगा कि कंप्लीट हो गया, फिर से आप स्टार्ट करें। अच्छा, फाइनली जब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास सर से वो की लाइसेंस के लिए आपसे वो प्रॉम्प्ट करेगा। अब ये देखिए, हम वापस सेटअप में जाते हैं। यहाँ पे मैंने ये सेटअप कॉपी किया हुआ था, तो एक और फोल्डर है जिस पर ये की जेन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पे आपने एग्जीक्यूट करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है इसको, और ये की जो है ना एक जनरेट कर देगा। जो की यहाँ पे आपको मिलेगी वो आपने इसको यहाँ से कॉपी करनी है। ये कॉपी का आपने बटन प्रेस किया, ये सेटअप में जाकर यहाँ पे री करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगी। इसको आपने अब नेक्स्ट करना है और इसे एग्जिट कर दें। यहाँ पे देखें मैसेज आ जाएगा, सेटअप विजिट कंप्लीट, और इसको आप फिनिश कर दें। इसके बाद आप देखिएगा आपके डेस्कटॉप में ये इसकी शॉर्टकट अवेलेबल है। इसको आपने रन करें यहाँ से। थोड़ा सा इसका एनवायरनमेंट बता देते हैं। ये फर्स्ट टाइम जब आप इसको रन करेंगे तो ये एक एग्रीमेंट पूछेगा आपसे, इसको आपने यस करना है और ओके का बटन क्लिक करना है आपने। ये इसका इंटरफेस आ जाएगा, पैनल आ जाएगा। जब भी आप कोई मशीन क्रिएट करेंगे तो आपने क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन करना है। अगर आपके पास पहले से मशीन आपने कोई क्रिएट की हो तो आपने यहाँ से ओपन करना है। ओपन से आपने जो भी मशीन बनाई होंगी वर्चुअल, वो ओपन से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बनाने वाला काम जब हम लिनक्स को स्टोर करेंगे वहाँ पे इसको कंप्लीट परफॉर्म करेंगे। वैसे यहाँ से चेक कर लेते हैं इसको। जब भी आप न्यू मशीन करेंगे तो यहाँ भी दो ऑप्शन आपसे पूछा है, टिपिकल यानी मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं या कस्टम। थोड़ा एडवांस मोड है, यहाँ पे आपको हर चीज़ बतानी पड़ेगी। अब ये देखें, ये बता रहा है कि ये 64 मेमोरी और 8 प्रोसेसर एंड 10 नेटवर्क अडैप्टर लिमिट है और 2 TB डिस्क स्पेस साइज। ठीक, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपने क्योंकि जब मशीन बनाने जा रहे हैं तो वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आप बनाएंगे, तो आपने अब इनमें से दो चीज़ें आपने में से एक आपने सेलेक्ट करनी है कि आप सीडी या डीवीडी से उसकी इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। आपके पास सीडी डीवीडी है या आपके पास ISO है। ठीक है, अगर आपके पास सीडी डीवीडी वगैरह है तो आपने वो सीडी और डीवीडी इसमें प्लेस करें। इसी तरह से अगर आपके पास ISO है तो आपने उस ISO का पाथ दे देना है। तो ये चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है, इसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आई विल लेटर फिलहाल में हम लेने इंस्टॉल करने जाएंगे तो वो ये परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, हमने फिलहाल लेने इंस्टॉल करना है
और यहाँ पे भी आप इसको ऑप्शन रेड हैट लिनक्स का दे सकते हैं कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी गेस्ट, यहाँ पे जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे उसको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, वो जिसके ज़रिए हम बना कर रहे हैं वो हमारा होस्ट है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इस वक्त जो हमारा होस्ट है वो विंडोज 10 है और हम गेस्ट लिनक्स को बनाने जाएंगे। नेक्स्ट किया, कहाँ पे आपने इसको सेव करना है वो आपने वो पा दे देना है, कितने प्रोसेसर यूज़ करने हैं, 2-4, ठीक है, ये आप पे है। अच्छा जी, लिनक्स के लिए कितनी आपको मेमोरी रिक्वायर्ड है, जो हम लिनक्स इंस्टॉल करेंगे उसके लिए 128 रिकमेंड होती है और हम उसको 256 रैम देंगे, 256 MB आपने लिनक्स के लिए रैम रखनी है, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट, यस, ये आपने नेट को देना है आपने, ठीक है। बेसिक लॉजिक को ही यूज़ करेंगे हम, जो इसने रिकमेंड की हुई है उसी ऑप्शन को आपने यूज़ करना है। क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क, यस, एक वर्चुअल डिस्क हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्कजी के साथ चलेंगे। और कितनी आपने लिनक्स के लिए स्पेस रखनी है, लिनक्स याद रखिएगा जो अगर एवरीथिंग आपने इसमें इंस्टॉल करना है हर चीज़ कंप्लीट, तो 5 GB आपके पास रिक्वायर्ड है। तो हम 5 कंप्लीट नहीं करेंगे, हम सिलेक्टेड जो हैं वो लिनक्स के पोर्शन करेंगे, तो मैक्सिमम आप 3 GB तक का स्पेस आप रख लें और इसकी मल्टीपल फाइल्स आप बनाएं। नेक्स्ट कर लें और यहाँ पे आप जो वर्चुअल मशीन जहाँ पे वो सेव होगी ये वो पाथ है और इस नाम से वो वर्चुअल मशीन आपकी क्रिएट हो जाएगी, ये इसकी एक्सटेंशन भी देगी है। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। जो ही ये फिनिश होगी ये आपकी एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ये देखें इसकी मेमोरी 256 MB रखी है हमने, इस मशीन का जो प्रोसेसर है वो 1 जो है ना CPU है, इसमें स्केजी हार्ड डिस्क है जिसका साइज 3 GB है और इस तरह इसमें CD-ROM है, फ्लॉपी है, नेटवर्क कार्ड है, USB है, साउंड कार्ड, प्रिंटर, डिस्प्ले, यानी कंप्लीट जैसे एक मशीन होती है फिजिकल, आपको वर्चुअल मशीन वो मशीन एक वर्चुअली लॉजिकली वो क्रिएट करके दे देगा। आप इस मशीन को यूज़ करते हुए उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। होपफुली आज का जो लेसन है डेमो आपको समझ आ गया होगा।